अब भाजपा मुखिया के चेहरे को लेकर कवायद में जुट गई है। केंद्रीय नेतृत्व एक दो दिन में पर्यवेक्षक को राजस्थान भेजेगा, जिसके बाद विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लगाएगी। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान में बहुमत आने के बाद प्रदेश की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताया और साथ ही कहा कि जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास जताया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भरपूर समर्थन दिया। सबसे पहले राजस्थान की जनता जनार्दन को मैं हाथ जोड़कर उन सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार राजस्थान में दी। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि जिनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी में विश्वास किया, 5 महीने की गारंटी में विश्वास नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब यहाँ पे चौमुखा विकास होगा, राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी कि उनके कुशल नेतृत्व जो उन्होंने समय समय पर राजस्थान को कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने समय समय पर राजस्थान की टीम को बुला करके बात करना, मार्गदर्शन देना, सभाएं करना, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ता